में 160, छत्तीसगढ़ में 55। मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान तो नहीं, छत्तीसगढ़ में क्या हो गया? ये बीजेपी तो क्लियर कर रहे थे कांग्रेस जीत गई। ये बीजेपी का ही नैरेटिव था 3 महीने पहले तक, कि हम लोग घुस नहीं पा रहे हैं। नैरेटिव सारा का सारा कब्जा है भूपेश बघेल साहब पर। लगता है भूपेश बघेल साहब या तो ओवर कॉन्फिडेंस में मात खा गए। पूरी कैबिनेट हार रही है, एक को छोड़कर पूरी कैबिनेट पीछे आई। ये बड़ा रिजेक्शन है, बड़ा रिजेक्शन। दूसरी शायद एंटी इनकम्बेंसी को वो पढ़ नहीं पाए होंगे। बीजेपी ने 55 नए चेहरे दिए थे अमन, ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी बीजेपी की। 55 नए चेहरे थे जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। हो सकता है जो एस्टैब्लिश्ड नेता हो, जो चुनाव लड़ रहे हो, उनसे ज्यादा भरोसा जनता ने इन पर जताया हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ आगे बढ़ नहीं पा। और एमपी में 160, ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 160 ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ये मुझे लगता है कि उनकी 135 प्लस तो सब बात करने लगे थे वोटिंग के बाद, लेकिन 160 अगर पहुंच रहे हैं, 150 तो ये बहुत अच्छा है। और अमीश जो लगातार सुबह से कह रहे हैं ना कि राजस्थान में भी ना हारी तो है कांग्रेस, उतनी बुरी तरह नहीं हारी। जब सत्ता की अदला बदली का इतिहास है, तब भी बीजेपी 109 पे रुक गई। अमिताभ, राजस्थान में आप बीजेपी के नेताओं से बात करते होंगे, और मैं 2-3 बारी इस चुनाव के दौरान राजस्थान गया और अधिकतर काफी नेताओं से मिला, तो बोला अमीश भाई इनके कांग्रेसी फॉर्च्यूनर में आएंगे, दिस ये दे यूज्ड टू से दिस लाइन, आई एम जस्ट कोटिंग देम, लेकिन दैट इज नॉट हैपेंड। क्या इंटरनल फाइट बीजेपी की थोड़ा बीजेपी को पीछे कर रही है? अदरवाइज बीजेपी का नंबर 120 प्लस होना चाहिए था, यहाँ पर 125 प्लस होना चाहिए। 109 पे रुक गई ना बीजेपी भी। अमित शाह, ये हम लोगों ने पूरा का पूरा कैंपेन देखा है, कैसे अमित शाह के हाथ में कमान दी गई, कैसे प्राइम मिनिस्टर के रोड शोज और प्राइम मिनिस्टर के रैलियां प्लान की गई, कैसे वहां के लॉ एंड ऑर्डर को इशू बनाया गया। अमित शाह बार बार यही कहते थे कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का ही एक इशू है जो हमारी नैया पार करा देगा राजस्थान में। तो मुझे लगता है कि वर्कर्स का बाहर निकलना, भरोसा होना जीत पे जी, मोदी गारंटी, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो जीत दिला रही हैं। लेकिन जनता को सलाम, चुनाव का पलटा, बड़ा अपडेट। गौरव बल्लभ जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो अपनी सीट से अब पीछे चल रहे हैं, पहले आगे थे लेकिन अब पीछे चल रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग अपडेट ये है, लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर अगर कोई है तो वो है छत्तीसगढ़, जहां पर पूरी कैबिनेट लगभग पीछे है। कवासी लखमा एक मंत्री हैं जो सिर्फ आगे चल रहे हैं, कवासी लखमा पिछड़े हैं, और कवासी लखमा और कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की मंत्रिमंडलों में आपस में बातचीत नहीं होती थी। सबीना के पास कुछ आंकड़े हैं, उनके पास भी मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन बड़ी खबर छत्तीसगढ़ है जो अंडरलाइनिंग है कि बीजेपी को वहां जो जीत मिल रही है, ये एक बहुत बड़ी जीत है। और राजस्थान में बीजेपी का नंबर अब बढ़ता हुआ 109 की तरफ जाता हुआ, और बीआरएस है अब तो, बीआरएस 44 और कांग्रेस 63। कांग्रेस को बढ़त तेलंगाना में अच्छी खासी मिल गई है। अब रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, वो सोनहट से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छत्तीसगढ़ से पीछे चल रही हैं। अंबिकापुर से टीएस सिंह द्योब पीछे हो गए हैं, पहले आगे थे, उप मुख्यमंत्री हैं वो पीछे चल रहे हैं। 8 बार के विधायक छत्तीसगढ़ में राम पुकार सिंह है, वो पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस ऐसी सीटें हार रही है छत्तीसगढ़ के अंदर जो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी नहीं हारी। ये बहुत बड़ा सेटबैक है कांग्रेस की लीडरशिप के लिए। आई थिंक कि हिंदी पट्टी से ये कांग्रेस का सफाया है, बहुत बड़ा सफाया है पूरी हिंदी पट्टी से। हिंदी पट्टी से कांग्रेस का सफाया, और बीजेपी का जिस तरह से कमबैक है, सुजाता मैं ये कहूंगी कि राजस्थान में जिस तरह से बीजेपी आगे चल रही है, और अगर कांग्रेस की इस तरह से हार होती अब तो क्लियर ही है, तो ये एक तरह से इंडिकेशन ये भी है अमन कि राहुल गांधी की नीतियों पे भी एक जनता का जनादेश है ये, क्योंकि जितनी चीज़ें वो 2024 के लिए जो भी डाइस वो फेंक सकते थे वो राजस्थान में फेंकी गई, चाहे वो रेवड़ियों का हो, चाहे वो जातीय जनगणना का मामला हो, ओबीसी की बात हो, हर एक चीज़ की गई राजस्थान में, कहीं कोई कमी नहीं थी। और आप कह रहे थे बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन तेलंगाना तो फिर नहीं, तेलंगाना की जीत के फिर राहुल को जाएगा ना। लेकिन राजस्थान से एक बड़ा संदेश जाता है कि राहुल गांधी की जितनी नीतियां थी 2024 के जिसको वो प्रोजेक्ट कर रहे थे वो फेलियर साबित हुई हैं उनकी भारत जोड़ो यात्रा। तेलंगाना में राहुल गांधी का जादू चला फिर अमीश जी, उनको थोड़ा श्रेय जरूर जाना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग है तेलंगाना में बीआरएस को अखिलेश यादव भी सपोर्ट कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल भी सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, लेकिन तेलंगाना में क्या कांग्रेस ने सफाया कर रही है बीआरएस का। नहीं अमीश जी, तेलंगाना में क्या हुआ है कि कुछ मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन है, तकरीबन 3 जामिया इस्लामी और एक मिनट नीरज के पास चलते हैं। नीरज, ओवर टू यू। नीरज के पास अच्छा माहौल है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है। नीरज
पा रही है। हमारे साथ महिला कार्यकर्ता है और यहाँ देख सकते हैं ढोल नगाड़े पे लगातार जश्न का माहौल है। महिला कार्यकर्ता राजस्थान की जनता का बहुत बहुत आभार अभिवादन है कि उन्होंने एक बार राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। इसलिए हम पूरी राजस्थान की जनता का आभार प्रकट करते हैं। कांग्रेस से पूरी जनता परेशान थी, महिलाएं युवाएं जो है कांग्रेस से त्रस्त हो चुकी थी, इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। ये आज हर एक कार्यकर्ता की जीत है जिससे प्रताड़ित राजस्थान का युवा महिला सभी वर्ग के लोग हुए और कुछ सुशासन की जीत हुए, कुछ शासन का अंत हुआ है, तुष्टिकरण का अंत हुआ है। मोदी जी के कुशल नेतृत्व की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कमल खिला रही है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। राजस्थान की जनता ने ये दिखा दिया है कि राजस्थान के अंदर जो है एक बार फिर कमल खिलने जा रहा है। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और जनता का पूरा अभिवादन प्रकट करते हैं। तो ये राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की टीम खुश है। आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, क्या आपको लगता है इंडिया गठबंधन का भविष्य भी अब खतरे में है यहाँ से, क्योंकि उधर अगर हम देखें तो कांग्रेस तेलंगाना में जीत रही है जहां पे अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल दोनों बीआरएस को सपोर्ट कर रहे थे। मध्य प्रदेश और पूरी हिंदी पट्टी में तो कांग्रेस का सफाया ही हो गया है। इंडिया अलायंस का भविष्य भी खतरे में है। एक चीज जोड़ रहा हूं मैं अमीश, एक चीज आचार्य जी, एक चीज मुझे लगता है कि कांग्रेस की हार से इंडी गठबंधन का भविष्य उज्जवल है संभवतः, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कांग्रेस जीतती तो फिर वो मुश्किल हो रही थी दूसरी पार्टियों को। आज यहाँ प्रियंका जी भी है, समाजवादी पार्टी भी कह चुकी है चालू पार्टी से लेकर चिरकुट तक। तो कांग्रेस का हारना इंडी गठबंधन अलायंस के लिए शायद बेहतर नहीं होगा आचार्य जी? देखिए अमन जी और अमीश जी, एक तो हमारी पार्टी हार रही है तो मैं बड़ा सदमे में हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ इस समय, क्योंकि हमें बड़ी उम्मीद थी। ये अलग बात है कि मैं हर हफ्ते ये बात कह रहा था, लगातार कह रहा था कि भाई सनातन का विरोध मत करो। मैं कह रहा था कि आप भाजपा से लड़ो, बीजेपी से लड़ो, लेकिन आप भगवान राम से मत लड़ो। मैं रोज़ कहता था ये बात, और मैं ये भी कहता था कि प्रधानमंत्री भारत का होता है, वो सिर्फ भाजपा का नहीं होता। प्रधानमंत्री का अपमान मत करो, प्रधानमंत्री का सम्मान करो। देश की जनता भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करना बर्दाश्त नहीं करती है, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो। और एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट कहने जा रहा हूँ अमीश देवगन जी, वो ये है कि कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे हैं जो हिंदुत्व से चिढ़ते थे, उन्होंने हिंदुत्व को कमज़ोर करने के लिए जातिवाद की राजनीति को बढ़ावा देना शुरू किया। तो देश की जनता में ये मैसेज गया कि ये जाति या जनगणना और जातिवाद की जो राजनीति हो रही है ये कांग्रेस की मूल विचारधारा के खिलाफ है। एक तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, ये जातिवाद का जो मुद्दा उठाया जा रहा है इसलिए उठाया जा रहा है कि हिंदुत्व को कमज़ोर करना, हिंदुओं को स्प्लिट करना, तो ये हिंदू धर्म के खिलाफ फैसला हुआ। तो ये बातें जो है आचार्य जी, क्या ऐसे नेताओं में राहुल गांधी भी हैं? चलिए आज मैं आपसे सीधा पूछता हूँ, क्या ऐसे नेताओं में राहुल गांधी खुद शामिल हैं, हाँ या ना? क्योंकि वो भी बोल चुके हैं हिंदुत्व मारने काटने का नाम। देखिए अमन जी, राहुल गांधी जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही निर्मल हृदय इंसान हैं। उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उनको गलत फीडिंग देते हैं, उन्हें गलत पट्टी पढ़ा देते हैं, उन्होंने ही सब कुछ बर्बाद किया है। तो मैं राहुल गांधी जी को दोषी नहीं मानता। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वोट था, मतलब जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिले हैं वहां पर तो था वोट, वहां पर सब सीटों में बीजेपी जीत रही है, समाजवादी पार्टी वहां पर कंपीट करती हुई दिख रही है। क्या 5 सीटें समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकती थी वहां पर लड़ने के लिए? अगर वहां देती तो क्या आपको लगता नहीं है, हालांकि जिस तरह की सुनामी है मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की, कोई बड़ा फायदा नहीं होता, लेकिन क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी में पॉलिटिकल एरोगेंस इतना था कि वो अपने आगे किसी को समझ ही नहीं रही थी कुछ? जबकि अखिलेश यादव ने, यही अखिलेश यादव थे 2017 के विधानसभा चुनावों में, उन्होंने आपको 100 सीटें दी थी उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए, कांग्रेस की हैसियत क्या थी तब? नहीं अमीश देवगन जी, अखिलेश यादव जी को सीटें दी जा सकती थी और दे देनी चाहिए थी, लेकिन ये हार सिर्फ इस वजह से नहीं है। आज अखिलेश यादव जी बड़े खुश होंगे कि बीजेपी जीत गई मध्य प्रदेश में,
क्योंकि मैं अखिलेश यादव जी को समझता हूँ, जानता हूँ, उनकी नेचर भी समझता हूँ। वो कमलनाथ जी ने जो अखिलेश वखिलेश कहा उसको बड़े दिल पे ले गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की वजह से ही कांग्रेस नहीं हारी है। कांग्रेस की जो हार हो रही है वो सनातन का विरोध, सनातन तो का श्राप ले बैठा है। मैं कह रहा था कि जब नेता, इतनी खराब जो कुछ नेता तो आप अमित देवगन बात को सुनिए, मुझे पूरी करनी है। डूबते को तिनके का सारा अखिलेश यादव की मदद लेना चाह रहे थे। आपको खुद पता था आपकी क्या खराब स्थिति है। मैं तो कह रहा हूँ, सुनिए 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 पहली बात, इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज इस चुनाव में नजर नहीं आ रही थी। दूसरी बात, ये फैसले ही गलत थे कि आप हमें गाली दें, हम आपको गाली दें, राज्य में और केंद्र में हम एक होंगे। तो देश की जनता ने सोचा कि हमें मूर्ख बनाया जा रहा है, सिर्फ मोदी को हटाने के नाम पर हम एक हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है। आप इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन पॉलिटिक्स करेंगे या इन द इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ पॉलिटिक्स करेंगे? तो सवाल इस बात का है। मुझे जो मेन कारण नजर आ रहे हैं, पहला कारण है जातिवाद की राजनीति को देश ने नकार दिया। मुख्तार अब्बास नकवी जी, स्वागत है आपका सर न्यूज 18 इंडिया में। मैं अमन, अमीश मेरे साथ हैं। मध्य प्रदेश में 162, राजस्थान में 107, छत्तीसगढ़ में 55, मतलब ये तीनों ही राज्यों में लगभग आपकी सरकार बनती नजर आ रही है एग्जिट पोल के इन रुझानों के हिसाब से, अभी जो लगभग शायद नतीजों में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। अब काफी लाइन अब काफी हद तक स्थिति क्लियर है। मुख्तार अब्बास नकवी, और 15 मिनट देखिए अमित जी और अमन जी दोनों, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप इन 10 सालों में जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश की सियासत में आया है, इस देश की सियासी संस्कृति में सकारात्मक सुधार और परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी ने लाके खड़ा किया है। और अब परिक्रमा की पॉलिटिक्स नहीं बल्कि परिश्रम को परिणाम में बदलने वाले लोग जो है वो लोग उसको पब्लिक उनके साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है। और आप पूरे के पूरे इस चुनाव के माहौल में देखें तो आप नरेंद्र मोदी जी पर हमला करेंगे, नकारात्मकता रखेंगे, अपशब्दों की बौछार करेंगे, गाली के गैंग पूरा तैयार होकर के जिस तरह के पूरे के पूरी सभ्यता को पूरी ताक पे रखेगा, वो सारा जो है लोगों ने जो है वो रिजेक्ट किया है। और मैं मानता हूँ, पूरा रिजल्ट आने दीजिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 सालों में देश की सियासी संस्कृति में जो सकारात्मक सुधार और परिवर्तन लाकर खड़ा किया है, और वो सियासी जो संस्कृति पहले थी कि परिश्रम और परिक्रमा, जो कि परिवार की परिक्रमा, उसको परिश्रम के परिणाम में परिवर्तित करके दिखाया। बोलना नहीं चाहिए, वो दिन भी नहीं है, एक शुभ दिन है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर कोई अब पलट के पूछ सकता है आपको कौन किसके लिए पनौती? मतलब आपने बोला जिन शब्दों की मर्यादा को लांघा गया, लक्ष्मण रेखा क्रॉस की गई, पापी, पनौती, क्या क्या कहा गया, जनता ने जवाब दिया, लेकिन आज कोई पलट कर पूछ सकता है कि अब कौन किसके लिए पनौती? देखिए मैं ये मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि आज देश इस बात को देख भी रहा है कि इस कांग्रेस जो कभी मुल्क की पार्टी होती थी आज मोहल्ले की भी महंगी होती जा रही है, और उसके पीछे की सोच और उसके पीछे का जो समझ है जो उनके नेताओं का नेता कौन है वो लोगों की समझ में आ रही है। दूसरी आपने बोला कि आपने एक दोबारा बोलिए क्या बोला आपने, हमारे को व्यूअर सुन नहीं पाए, दोबारा रिपीट टेलीकास्ट। मैंने ये कहा जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो थी, जो कभी मुल्क की पार्टी होती थी, वो आज मोहल्ले की भी महंगी हो गई है। वो उसका एक ही कारण होती जा रही है, वो इसका एक ही कारण है कि उनके नेताओं और उनकी जो नेतृत्व है उसमें जो है वो तर्कों की कंगाली ने उन्हें कुतर्कों का मवाली बना दिया है। और जो जब कुतर्कों का मवाली होगा तो उनकी पार्टी और उनका परिवार किस दिशा में जाएगा, ये आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। भाटी प्रदीप भाटी है मतलब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। प्रदीप जी आज खुश है, चालू पार्टी हार रही है, चालू पार्टी का था ना सर? देखिए ये जो हार हो रही है कांग्रेस की, चालू पार्टी का था, चालू पार्टी मुझे लगता है कांग्रेस को, आपके नेता ने कहा था, आप नेता की बात। देखिए जो कहा था वो तो बात बीत गई, लेकिन जो अब कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि जो ये हार हो रही है कांग्रेस उस हार के लिए खुद स्वयं जिम्मेदार है। एक सवाल है, मतलब ये अलायंस चालू रहेगा अब? जी अलायंस अभी चालू है और बिल्कुल चालू पार्टी के साथ आगे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी, जैसे जैसे 24 आएगा 2024, हम लोग और मजबूती के साथ आप जनता के बीच अपने मुद्दों को, आपको सीटें दे देते तो शायद बेहतर होता प्रदीप जी, आपको जैसे अमीश भी बार बार कह रहे थे कि 5-7 सीटें अगर आपको दे दी जाती तो शायद कांग्रेस और बेहतर कम्पीट कर पाती मोदी से बीजेपी से।
देखिए अगर वो इतनी सीटें तो हम ऑलरेडी मध्य प्रदेश में पहले भी जीत चुके हैं, और जितनी हम वोट शेयर मध्य प्रदेश में उतना ही वोट शेयर कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में आज रह गया है। तो अगर उत्तर प्रदेश में वो सीट्स क्लेम करते हैं तो उसी उसमें उन्हें इसके अंदर मध्य प्रदेश के अंदर हमें सीट्स देनी चाहिए थी, और 5 से 10 सीट हम बिल्कुल उसमें हम दावेदार थे, प्रबल दावेदार थे। आज भी हम जहां चुनाव लड़ रहे हैं, जहां जहां सीटों अमन, अमन बड़ी अपडेट